मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। इन दिनों जहां भी देखे वहां बस तूफान के ही खबरें चल रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में तूफान के कारण हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा समेत कई हिस्सों में भयंकर तूफान आने की संभावना है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आंधी या तूफान आने पर हमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि तूफान आने पर सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने चेहरे और आँखों को ढक कर रखें, चेहरे पर मास्क लगाएं या हो सके तो कोई कपड़ा बांधें और आँखों पर गॉगल्स लगाएं ताकि आपकी आँखों में धूल ना पड़े और आपकी आँखों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इसके अलावा अगर आप तूफान आने के समय घर से बाहर हैं तो कोशिश करें कि किसी सेफ जगह पर पहुँचें। अगर घर पर हैं तो खिड़की दरवाज़ों से दूर रहें। तूफान आने पर खिड़की दरवाज़ों को अच्छे से लॉक कर दें। कांच की खिड़की दरवाज़े हैं तो उन्हें मोटे पर्दों से कवर करके रखें। बारिश होने पर कोई भी मेटल का सामान या बिजली के सामान को टच बिल्कुल ना करें। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी को किसी ऐसी जगह पार्क करें जहाँ कोई उड़ती हुई चीज़ ना आ सके। गाड़ी के अंदर हैं तो शीशे बंद कर लें और डोर्स भी अच्छी तरह से लॉक कर लें। इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि गाड़ी में रेडियो ना चलाएं, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी के कारण आसमानी बिजली की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि तूफान आने पर कोशिश करें कि ना नहाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है तूफान आने पर बिजली की तारें टूट जाती हैं जिससे करंट फैलता है और ये करंट पानी में काफ़ी तेज़ी से उतर जाता है। इसीलिए तूफान आंधी आने पर नहाने से बचना चाहिए। ये तो बात थी आंधी या तूफान आने की। इसके अलावा इस चीज़ का भी ख्याल करें कि जब भी बहुत तेज़ बारिश हो या फिर रिमझिम बारिश ही क्यों ना हो, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी के कारण कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए आसमानी बिजली की चपेट में आ जाता है। इसके अलावा इस चीज़ का भी ख्याल करें कि जब भी बुरे मौसम की चेतावनी दी जाए तो उससे पहले ही अपने घर में ज़रूरत की हर छोटी बड़ी चीज़ लाकर रखें, ताकि अगर तूफान या बुरा मौसम कुछ दिनों तक ठहर भी जाए तो आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो। तो ये थी ज़रूरी जानकारी कि आंधी तूफान आने पर आपको किन बातों को लेकर एहतियात बरतनी चाहिए। उम्मीद करते हैं दी गई ये ख़ास जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी जानकारी के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।